हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग द सेलिब्रिटी प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत बार आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो प्लीज आप इस वीडियो को एकदम ध्यान से समझें, एकदम ध्यान से देखें, तभी आपको समझ में आएगा। देखो, आपके पास एक कंडीशन दिया गया है कि एक पार्टी हो रहा है और उसमें बहुत सारे लोग आए हैं। सपोज कर लो उसमें एन नंबर ऑफ लोग आए हैं और उसमें एक सेलिब्रिटी भी आया है। तो सेलिब्रिटी वही है जिसको सब लोग जानता है, लेकिन जो सेलिब्रिटी है वो किसी को नहीं जानता है। जो सेलिब्रिटी है उसको सब कोई जानता है, लेकिन जो सेलिब्रिटी है वो किसी को नहीं जानता है। तो हमें बताना है कौन सा ऐसा नंबर है, कौन सा ऐसा पर्सन है जो सेलिब्रिटी है, मतलब जिसको सब जानते हैं वो किसी को नहीं जानता है। तो चलिए पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ ताकि चीजें आपको समझ में आए और फिर आपको लगे कि हाँ समझ में आया। सपोज करो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास शाहरुख खान है। शाहरुख खान, मैंने SS लिख दिया, शाहरुख खान है। तो इनको तो बहुत सारे लोग जानते हैं, जैसे एक आदमी ए है ये भी जानता है, बी है ये भी जानता है, सी है ये भी जानता है, डी है ये भी जानता है, ई है ये भी जानता है, एफ है ये भी जानता है। मतलब जो शाहरुख खान है, शाहरुख खान ये सेलिब्रिटी क्यों है? क्योंकि इनको सब जानते हैं। किसी भी सेलिब्रिटी को सेलिब्रिटी कब माना जाता है? जब उसको बहुत सारे लोग जाने, लेकिन जो सेलिब्रिटी होता है वो किसी को नहीं जानता है। सपोज कर लो कि जो सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी वो किसी बर्थडे पार्टी में आया हुआ है, तो सेलिब्रिटी वहां किसको जानता है? किसी को नहीं। लेकिन जितने भी वहां लोग बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं वो तो सब सेलिब्रिटी को जानेंगे कि हाँ यहाँ शाहरुख खान आया है, राइट? इसीलिए शाहरुख खान क्या है? सेलिब्रिटी है। तो हमें बताना है, हमारे पास एक 2D मैट्रिक्स दिया गया है, हमें बताना है इसमें सेलिब्रिटी कौन है। जैसे देखो, यहाँ 0 है, 1 0, फिर 0 0 0, 0 1 0। अभी ध्यान से समझना है एकदम, तभी समझ में आता है, नहीं तो समझ में आता ही नहीं है। जैसे 0 1 2, 0 1 2, मतलब ये 0th पर्सन है, ये 1th पर्सन, ये 2nd पर्सन, ठीक है। जो 0th पर्सन है, 0th पर्सन ये किसको जाना है? अपने आप को तो जानेगा ही, मतलब जो डायगोनल एलिमेंट है इसको ऐसे ही छोड़ दो। क्यों? क्यों? जो 0th पर्सन है अपने आप को जानेगा, जो 1th पर्सन अपने आप को जानेगा, जो 12th पर्सन अपने आप को जानेगा, ठीक है। तो अब देखो, जो 0th पर्सन है, 0th पर्सन ये 1 को जान रहा है, मतलब जो 0 है वो 1 को जान रहा है, ठीक है। जो 1th पर्सन है, मतलब जो 1 है, 1 1 है, वही हमारा क्या है? जानना हुआ। मतलब अगर 1 है तो 0 1 को जान रहा है, 0 है मतलब नहीं जान रहा है। जो 1 है, 1 एक किसी को नहीं जान रहा है। देखो, इसके लिए भी 0, इसके लिए भी 0, इसके लिए भी 0, मतलब जो 1 है किसी को नहीं जानता है। जो 2 है, जो 2 है 0 को नहीं जानता है, जो 2 है 1 को जानता है, 2 है 1 को जानता है, और देखो 2 किसी को नहीं जानता है। मतलब अब देखो यहाँ सब मिला कितने पर्सन है, 0 1 और 2, उसमें से जो 0 है वो 1 को जान रहा है, जो 2 है ये भी 1 को जान रहा है। मतलब 1 क्या है? 1 सेलिब्रिटी है। 3 पर्सन है, 3 पर्सन, ध्यान समझो, 3 ही लोग हैं, उनमें से 2 लोग हैं वो 1 को जानते हैं, लेकिन जो 1 है वो किसी को नहीं जानता। तो सेलिब्रिटी यहाँ कौन हुआ? सेलिब्रिटी 1 हुआ। क्यों? क्योंकि यही कंडीशन था कि जो सेलिब्रिटी है वो किसी को नहीं जानता, लेकिन सारे लोग सेलिब्रिटी को जानते हैं। तो अगर 3 लोग हैं तो 0 सेलिब्रिटी को जान रहा है, 2 ये भी सेलिब्रिटी को जान रहा है, मतलब सेलिब्रिटी कौन है? 1 है। तो आई थिंक अभी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और सेम टू सेम यही एक्सप्लेनेशन भी है। तो एक एक्सप्लेनेशन आप क्या कर सकते हैं कि आप बोलोगे, सर मैं क्या करूंगा, हर एक पर्सन का काउंट कर लूंगा, मैं क्या करूंगा, हर एक एलिमेंट के पास जाऊंगा, हर एक एलिमेंट के पास मैं जाऊंगा, पहले 0 के पास, और देखूंगा 0 कितना लोगों को जानता है। 0 तो मैं देख रहा हूँ 0 1 को जानता है, 1 लोगों को। फिर मैं जाऊंगा 1 के पास, 1 कितना लोगों को जानता है, 1 किसी को नहीं जानता, मतलब 0 जान रहा है 1 लोग को, 1 जो है किसी को नहीं जान रहा है। ये नंबर ऑफ काउंट है, काउंट 0 1 लोग को जान रहा है, 1 किसी को नहीं जान रहा है, और जो 2 है ये भी 1 लोग को जान रहा है, और 1 लोग जो है किस कौन है? तो ये लोग दोनों 1 है, मतलब जो 0 है ये भी 1 को जान रहा है, जो 2 है ये भी 1 को जान रहा है, सेलिब्रिटी कौन है? 1, राइट? तो कैसे बनेगा? तो देखो, मैंने आपको समझाते समझाते आंसर भी इसका बता ही दिया कि कैसे बनेगा। एक अप्रोच मैंने आपको समझाते समझाते ही बता दिया है, इस क्वेश्चन को समझाते समझाते वो क्या अप्रोच है, अब ध्यान समझो क्या अप्रोच है। जो ओ ऑफ एन स्क्वायर में आपका काम कर रहा होगा, कैसे काम कर रहा होगा समझ लेते हैं। देखो कैसे काम कर रहा होगा, हमें क्या करना है, एक फोर लूप लगाना है, फोर लूप, फोर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस। इसके अंदर एक और फोर लूप लगाना है ताकि मैं 2D जो मैट्रिक्स होता है मैं इसको एक्सेस करने के लिए डबल फोर लूप मुझे चाहिए हैं, राइट? अब मैं क्या करूंगा, अगर जो 0 मैं जाऊंगा, 0 देखूंगा किसको किसको जान रहा है, जिसको इसको जान रहा है उसको मैं प्लस कर दूंगा। अगर 0 देखो, पहले 0 किसी को नहीं जानता था, लेकिन जैसे मैं यहाँ गया 0 1 को जान रहा है, मतलब 0 का काउंट मैं क्या कर दूंगा कि 0 पहले 1 जानता था, 0 काउंट प्लस प्लस, मतलब 0 एक आदमी को जान गया। फिर मैं जाऊंगा 1 के पास, 1 किसी को नहीं जानता है, इसे काउंट 0 ही रहेगा। मैं जाऊंगा 2 के पास,
वन को जान रहा है, इसका भी काउंट बढ़ जाएगा, मतलब टू भी जान रहा है वन भी जान रहा है। तो मैं क्या करूंगा, हर एक एलिमेंट के पास जाऊंगा, जीरो के पास उसका काउंट बढ़ा दूंगा, वन के पास अगर जानता है तो काउंट बढ़ा दूंगा, अगर नहीं जानता है तो काउंट रहने दूंगा, फिर मैं काउंट बढ़ा दूंगा, इसका कुछ नहीं बढ़ेगा, फिर मैं इसके जाऊंगा, फिर यहाँ जाऊँगा काउंट बढ़ा दूंगा। मैं देखूंगा कि जो जो जीरो है और वन को जान रहा है, जो टू है जो वन को जान रहा है, तो लास्ट में मैं कंपेयर करूंगा कि कौन सा ऐसा पर्सन है, कौन सा ऐसा पर्सन है जिसका जो रो नंबर है, जिसका रो नंबर है, रो नंबर वो उसमें सिर्फ जीरो ही है। फिर मैं कंडीशन लगाऊंगा कि मैं देख रहा हूँ कि रो नंबर जो वन है, वन इसमें सारे के सारे जीरो हैं। फिर मैं चेक करूंगा कि मैं देखो सारे के सारे इसमें जीरो हैं, तो हो सकता है सेलिब्रिटी हो, लेकिन फिर मैं क्या कर दूंगा, उसी का कॉलम नंबर चेक करूंगा, वन का जो पर्सन वन है, जो पर्सन वन है उसका रो नंबर हमने चेक किया, सारा का सारा एलिमेंट जीरो है, मतलब एक किसी को नहीं जानता है। तो फिर मैं उसका कॉलम नंबर चेक करूंगा, देखूंगा उसके कॉलम नंबर में जो उसका एलिमेंट है वो जीरो रहना चाहिए। तो मैं देख रहा हूँ इसके कॉलम में ये तो हमारा वन है, मतलब जीरो वन जान रहा है, टू वन जान रहा है, लेकिन वन जो इसका कॉलम नंबर में ये जीरो है, मतलब ये किसी को जान ही नहीं रहा है। जब किसी को नहीं जान रहा है और सब लोग इसी को जान रहा है, मतलब वन क्या है, सेलिब्रिटी है। तो ओ ऑफ एन स्क्वायर में आप काम कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ आपको थोड़ा सा आसान तरीका बता देता हूँ, तो मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा और आपको आसान तरीका बताऊंगा। ये देखो हमें पता है कितने नंबर पर्सन है, एक जीरो है, एक वन है, एक टू है, हमें पता है कि एक जीरो है, एक वन है, एक टू है, हमें पता है कि अगर सेलिब्रिटी कोई होगा तो इसी में से कोई होगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से चेक करना शुरू करूंगा, चेक करूंगा क्या जो जीरो है वन को जानता है, अगर जीरो वन को जानता है तो जीरो सेलिब्रिटी नहीं होगा। मैं क्या करूंगा, देखो तीन पर्सन है, तीन पर्सन, जो जीरो है जीरो वो वन को जान रहा है, जो जीरो है वन को जान रहा है, अगर जो जीरो है वन को जानता है मतलब क्या, जीरो सेलिब्रिटी नहीं है, वन हो सकता है। जीरो क्यों नहीं है, क्योंकि जीरो किसी को जान रहा है और सेलिब्रिटी तो किसी को जानते ही नहीं है, तो जीरो सेलिब्रिटी नहीं होगा, तो मैं इसको भगा लूँ। फिर मैं देख रहा हूँ क्या जो वन है वन वो टू को जान रहा है, वन टू को नहीं जानता। फिर मैं चेक करूँगा क्या जो टू है वन को जान रहा है, हाँ टू भी वन को जान रहा है, जब टू भी वन को जान रहा है मतलब टू तो सेलिब्रिटी हो ही नहीं सकता क्योंकि ये किसी को जान रहा है, तो इसको मैं भगा दूंगा और जो हमारा आंसर बच जाएगा ये वन बच जाएगा। तो मैं करूँगा कैसे, मैं क्या करूँगा, देखो जितने भी पर्सन हैं उनके लिए एक लूप लगा दूंगा, फोर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन और आई क्या प्लस प्लस, और मैं एक स्टैक बना लूंगा, स्टैक जब तक स्टैक का साइज ग्रेटर देन वन है, क्योंकि एक तो सेलिब्रिटी मुझे चाहिए ही चाहिए अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो अगर जीरो है वन है टू है, सपोज करो तीन आदमी है, ठीक है तीन पर्सन है, तो पहले मैं जीरो क्या करूंगा इसमें पहले डाल दूंगा, जीरो को हमने डाल दी, फिर मैं जाऊंगा वन के पास, फिर मैंने क्या करूंगा वन को इसमें डाल दूंगा, फिर मैं क्या करूंगा टू के पास जाऊंगा और टू को इसमें डाल दूंगा, मतलब सबको इसमें डाल दिया। अब मैं क्या करूंगा, दो एलिमेंट को बाहर निकालूंगा, एक इसको निकाला एक इसको, इसको ए को रख लिया टू और बी को रख लिया वन। अब मैं चेक करूँ क्या जो वन है टू को जानता है, जो ए का वैल्यू मतलब जो टू है वो पर्सन वन को जानता है, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ जैसे जीरो वन टू, फिर जीरो वन टू, क्या जो सेकेंड पर्सन है मतलब ए जो है बी को जानता है, सेकेंड पर्सन मतलब सेकेंड ए बी को जानता है, बी का वैल्यू कितना है वन, वन जो सेकेंड है हाँ जानता है, क्योंकि इसका वैल्यू वन है, जानता है मतलब क्या, मतलब क्या जो ए है अगर बी को जानता है, मतलब सेकेंड अगर जानता है तो ए तो सेलिब्रेट नहीं होगा, तो इसको रिमूव कर दो, सेलिब्रेट नहीं होगा, और बी को वापस से इसमें डाल दो, इसको रिमूव किए थे फिर से वन को डाल दिया, फिर इन दोनों को बाहर निकालो, फिर क्या करो इन दोनों को बाहर निकालो, इन दोनों को क्या करो बाहर निकालो, इन दोनों को बाहर निकालो। तो मैं क्या करूँगा, ए का वैल्यू अब वन हो जाएगा, बी का वैल्यू हो जाएगा जीरो। अब मैं चेक करूँ क्या जो वन है ए, क्या जो वन है जीरो को जानता है, मैं देख करूँगा वन का वैल्यू ए है, ए हमारा जीरो को जान रहा है, नहीं जी किसी को नहीं जान रहा है क्योंकि सबका वैल्यू जीरो ही है, किसी को नहीं जान रहा है। तो फिर मैं चेक करूँगा क्या जो बी है बी वो ए को जानता है, बी का वैल्यू कितना है जीरो, क्या ए वन को जानता है, हाँ जो जीरो है वन को जानता है, यहाँ वन को जान रहा है क्योंकि वैल्यू इसका वन है, जब वन को जान रहा है ये जीरो वाला, मतलब क्या इसको भगा दो और इसको क्या कर दो, इसको क्या कर दो इसमें डाल दो वन, तो वन को इसमें हमने डाल दिया, और लास्ट में जो हमारा वन है ये हो सकता है सेलिब्रिटी है, ये हो सकता है सेलिब्रिटी है, लेकिन मुझे अब चेक करना पड़ेगा। यहाँ तो स्टैक में मुझे पता चल रहा है कि हाँ यही सेलिब्रिटी होगा क्योंकि मैंने सोसाइज ग्रेटर देन वन रखा है, यही सेलिब्रिटी होगा, लेकिन मुझे एक अलग से कंडीशन चेक करना पड़ेगा, क्यों अब ध्यान समझो क्यों, क्योंकि ध्यान से लगाना पड़ेगा क्यों सेलिब्रिटी है, कैसे पता चला, तो देखो मैं इसको भगा देता हूँ और बता देता हूँ मैं क्या करूँगा, इसको भगा दूंगा राइट। तो देखो अब जो वन है, वन में मान रहा हूँ सेलिब्रिटी है, लेकिन कैसे मुझे पता चलेगा, मैं वेरीफाई करूंगा क्रॉस वेरीफाई, तो जैसे हमारा जीरो है वन है टू है, जीरो है वन है टू है, तो मैं चेक करूंगा जो वन है वन इसके रो में मतलब रो नंबर वन में कोई भी एलिमेंट वन नहीं होना चाहिए, मतलब सारा का सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए, तो मैं देख रहा हूँ इस रो में सारा का सारा एलिमेंट जीरो है, हाँ
मतलब एक कंडीशन फुलफिल हो गया। दूसरा कंडीशन क्या कि इस कॉलम में, इसके कॉलम में, वन वाले के कॉलम में सारा का सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, सारा का सारा एलिमेंट वन होना चाहिए एक्सेप्ट इसका डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट इसका क्या है, ए है, जैसे ए डायगोनल हो गया तो ए, तो ये हमारा जीरो है कोई बात नहीं, बाकी सारा का सारा वन है। जब सारा सारा वन है तो इस बात की अब गारंटी है कि जो वन है, इस बात की गारंटी है जो वन है वो क्या है, सेलिब्रिटी है। तो इसका अगर आप टाइम की बात कीजिएगा तो ओ ऑफ एन आप ले पा रहे हैं इसको ट्रावर्स करने में, और स्पेस भी आप ओ ऑफ एन ले रहे हैं राइट, क्योंकि एक स्टेक तो आपको चाहिए ही, एक स्टेक आप ले रहे हैं तभी आप चीज़ें कर पा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको ड्राइव करके दिखाता हूँ ताकि चीज़ें ज़्यादा और ज़्यादा आपको समझ में आए, ठीक है। तो देखो ये हमारा सी प्लस प्लस का सोल्यूशन है, इसमें हमने क्या करना है, हमने एक स्टेक बना लिया और सारा एलिमेंट को पहले स्टेक में डाल दिया, जितने भी पर्सन है सबको डाल दिया। जब तक स्टेक का साइज ग्रेटर देन वन है तो क्या करना है, इसको रिमूव करना है, एक ए को रिमूव किए, फिर बी को रिमूव किए, रिमूव कर दिए। और आप चेक किए कि ए नोज बी एंड बी कैन बी सेलिब्रिटी, अगर ए जो है बी को जानता है, ए अगर बी को जानता है तो ए तो सेलिब्रिटी नहीं होगा क्योंकि ए किसी को जान रहा है खत्म, तो बी सेलिब्रिटी हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ए सेलिब्रिटी हो सकता है, अगर ए नहीं जानता है तो। वहीं तो मैंने आपको यहाँ किया है, दो एलिमेंट निकाला है और चेक किया, जैसे ए और बी निकाला है, मैं चेक किया क्या जो ए है बी को जानता है, क्या जो बी है ए को जानता है, अगर ए बी को जान रहा है मतलब ए सेलिब्रिटी नहीं है, अगर बी ए को जान रहा है मतलब बी सेलिब्रिटी नहीं है राइट। तो ऐसे कर देना है, अगर ऐसे आपको स्टैक में एक एलिमेंट जैसे वन मिल गया, फिर चेक क्या करना है, चेक आंसर का रो, आंसर का रो चेक कीजिए कि सारा का सारा अगर वन है, आंसर के रो में सारा का सारा अगर वन है या फिर कोई भी एलिमेंट वन है तो सेलिब्रिटी नहीं होगा क्योंकि वो भी किसी को जान रहा है, तो माइनस वन रिटर्न कर दो। फिर उसके कॉलम को चेक करो, कॉलम करो, उसके डायगोनल को चेक करो, क्या जो कॉलम है उसमें डायगोनल एलिमेंट सिर्फ जीरो रहना चाहिए और बाकी हमारा आई नहीं रहना चाहिए, अगर ऐसा कुछ है तो माइनस वन कर दो, अगर नहीं है तो हमारा आंसर को रिटर्न कर दो। जैसे मैंने आपको बताया है कि हो सकता है, हो सकता है कि जो वन है, हो सकता है कि जो वन है सेलिब्रिटी हो सकता है कि जो वन है सेलिब्रिटी हो, लेकिन मुझे क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा, इसके रो में चेक करना पड़ेगा कि कहीं वन नहीं ना है, ऐसा नहीं कि वन इसको जानता हो, वन टू को जानता हो, यहाँ वन, जब वन टू को जान रहा है तो सेलिब्रिटी कहाँ से होगा, नहीं होगा राइट, तो उसको मुझे चेक करना पड़ जाएगा। तो आई थिंक आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और ये हमारा रहा एक और अप्रोच जिसको हम बिना स्टैक की हेल्प से भी कर सकते हैं। कैसे, हमने क्या किया है, एक देखो जैसे मैं क्या करूँगा, जैसे जीरो वन टू तीन हमारे पास पर्सन है, तो ए को मैं मान लूँगा जीरो और बी को मैं मान लूँगा कितना एन माइनस वन मतलब टू। वी विल कीप मूविंग टिल द ए लेस देन बी, इस कंडीशन को फुलफिल करो, अगर जो एम ऑफ ए बी, एम ऑफ ए का वैल्यू कितना है जीरो, बी का वैल्यू कितना है टू, अगर बराबर बराबर वन है तो ए को प्लस करते जाओ नहीं तो बी को माइनस करते जाओ। अगर ऐसा कुछ कर लिए तो जो हमारा इसके बाद का रिजल्ट आएगा उसको क्या करना, चेक इफ ई ए इज एक्चुअली सेलिब्रिटी और नॉट। तो जैसे मानो कोई हमारा नंबर आ गया वन, तो मुझे चेक करना क्या जो वन है, जो पर्सन वन है उस सच में सेलिब्रिटी है, तो उसको चेक करना पड़ेगा। तो इफ एनी पर्सन डज नॉट नो ए और ए नोज एनी वन वी रिटर्न माइनस वन, अगर कोई भी पर्सन ए को नहीं जानता लेकिन ए किसी को जानता है तो अब तो यार सेलिब्रिटी थोड़ी है, तो माइनस वन रिटर्न कर दो, और नहीं तो लास्ट में जो बच रहा है वो हमारा सेलिब्रिटी बच जाएगा। तो इसको भी आप ड्राइव कर लो, मैंने आपको स्टैक वाला सोल्यूशन बता दिया, मैंने आपको मैट्रिक्स वाला सोल्यूशन बता दिया, मैंने आपको तीन सोल्यूशन बता दिया, एक अलग टाइप का ए हो गया, ठीक है। तो चलिए मैं आपको अब सोल्यूशन रन करके दिखाता हूँ, ओ ऑफ एन में हमारा काम हो रहा है। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगा, आपको एक डीएससी का नोट्स के बारे में बताना चाहूँगा। ये जो नोट्स है काफ़ी स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाए गए, जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, एल्गोरिदम, उनके सारे के सारे कोर कॉन्सेप्ट्स काफ़ी अच्छा से एक्सप्लेन किया गया। तो अगर आप इसको चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, आप जाकर ले सकते हैं, काफ़ी हेल्प आपका ये कर रहा होगा। और इसमें 9 लाख से ज़्यादा लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है जो जीएफटी का सेल्फ पेस्ट कोर्स है। अगर आप डीएसए पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको डीएसए नहीं आता है लेकिन आप पढ़ना चाहते हैं तो अब तब आप इस कोर्स को ले सकते हैं। अगर आप इस लिंक पर जाकर डिस्क्रिप्शन में जो दिया है, अगर आप त्रिलोकी 10 कूपन कोड लगा दिए गलती से भी तो आपको 15% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, तो आप इसको भी जाकर ज्वाइन कर लो। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, आप जाकर सबको चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो मैं क्या करूँगा, आपको दिखाऊंगा अभी सी प्लस प्लस का कोड और फिर मैं दिखाऊंगा जावा का। ये हमारा सी प्लस प्लस का कोड है, जो मैंने आपको बताया सेम टू सेम वही कोड है, इसमें कुछ भी अंतर नहीं। तो आपको क्या करना है, कोड को ऐसे ही लिखना है सेम टू सेम, और ड्राई रन करना है, रन करना है जैसे मैंने आपको बताया। ड्राई रन करोगे तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं करोगे तो फिर समझ में नहीं आएंगी, और जब एक्चुअल एग्जाम में पूछा जाएगा इंटरव्यू में तो फिर उस समय आप अटक जाओगे। इसलिए मैं बोलूँगा आप ड्राई रन कर लो ताकि आप चीज़ें काफ़ी आसानी से कर पाएँ और क्वेश्चन की बेंड बजा पाएँ, क्योंकि सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, और आपको नहीं आता तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, सबमिट पर कर दूंगा क्लिक।
तो चलिए अपन मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ वीडियो के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, अभी तक वीडियो देख रहे हो कर क्या रहे हो, सब्सक्राइब कर लो।